महाराष्ट्र में संभाजी जयंती जुलूस पर तनाव, पहले अकोला अब अहमदनगर में हिंसा। महाराष्ट्र को हिंसा में झोंकने की साजिश किसकी? तारीख 14 मई और दिन था रविवार और जयंती थी छत्रपति संभाजी महाराज की। इस दौरान महाराष्ट्र में भाईचारे के साथ मनाने वाली ये जयंती हिंसा की भेंट चढ़ गई। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर शाम को एक जुलूस निकाला गया और देखते ही देखते ये जुलूस नफरत की आग में तब्दील हो गया। दरअसल इस जुलूस के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए और इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियां फूंक दी गईं और क्षण भर में छत्रपति संभाजी महाराज की शोभा यात्रा रणभूमि के अखाड़े में तब्दील हो गई। इस पावन अवसर के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर में जमकर हिंसा हुई है, पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए, साथ ही नुकसान भी हुआ। दरअसल छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर रविवार शाम को एक जुलूस निकाला गया था और इस दौरान एक जुट ने जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद एक धार्मिक स्थल पर दूसरे गुट की तरफ से भी पथराव किया गया और हिंसा भड़क उठी। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब तक 50 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि अहमदनगर में बीते एक महीने में हिंसा का ये दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले ही अकोला से भी ऐसी एक हिंसक तस्वीरें सामने आई थी। यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर दो समुदायों में झड़प हो गई थी, जिसमें जमकर पत्थरबाजी हुई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, साथ ही 8 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के बाद अब देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र हिंसा की आग में झुलस रहा है। राज्य में शहर दर शहर से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। शनिवार को अकोला में हुई हिंसा की लपटें अहमदनगर तक पहुंच गई। फिलहाल दोनों ही जगह इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर धारा 144 लगा दी गई है, स्थिति नियंत्रण में है। वहीं अकोला हिंसा में अभी तक 45 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हर्ट होने की बात सामने आई, जिसमें पुलिस प्रशासन ने तुरंत कंप्लेंट लेके ऑफिस रजिस्टर किया है। उसके बाद ये दो कम्युनिटीज के बीच में तनाव रहा, जिसमें स्टोन पेल्टिंग भी हुआ है, कुछ गाड़ियों के ऊपर भी पथरा हुआ, जिसमें गाड़ियों का नुकसान भी हुआ है। कुछ एक जगह पे गाड़ियां टॉर्च भी की गई है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत वहां पे इंटरवीन करके एक्शन ली है और जो भी इसमें शामिल थे उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, गुने दाखिल हो गए हैं। आज पुलिस प्रशासन ने हेवी डिप्लॉयमेंट सिटी में रखा है, जिसमें स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की कंपनियां भी है, राइड कंट्रोल पार्टीज भी है, सीनियर ऑफिसर्स भी यहां पे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो भी शामिल थे उनको जल्द से जल्द पुलिस हिरासत में ले। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि दो कम्युनिटीज के बीच में रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट होने की बात थी, वो इसके पीछे कारण रहा है, उसको लेके ही फिर ये आगे बात बढ़ी है। एक ब्रॉड डेड है सिविल हॉस्पिटल में, पर वो कौन सी जगह से वहाँ तक पहुँचे इसके बारे में हमारी तब्दीश चल रही है, उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे। बता दें कि इस साल महाराष्ट्र से कई बार हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले रामनवमी के दौरान संभाजीनगर और जलगांव से भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। तमाम वाक्य के बीच अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस हिंसक झड़प का जिम्मेदार कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं आगे चुनाव है इसलिए तनाव है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।